हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंजोलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को समझने से पहले इसके कुछ मेन फीचर्स हैं जो कि हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले है हमारे पास दैट ऑल एडसॉर्प्शन साइट्स ऑन द सर्फेस ऑफ एडसॉर्बेंट आर इक्विवेलेंट। तो इसमें ये मेन फीचर लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म लेकर चलती है कि अगर हम किसी एडसॉर्बेंट की बात करें तो एडसॉर्बेंट के सर्फेस पे जितनी भी साइट्स हैं वो सभी एडसॉर्प्शन के लिए इक्विवेलेंट है। ऑल एडसॉर्प्शन साइट ऑन द सर्फेस ऑफ द एडसॉर्बेंट आर इक्विवेलेंट मींस कि जब एडसॉर्बेंट आके एडसॉर्ब करेगा उसी कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं है कि वो साइट ज्यादा अच्छी है एडसॉर्ब होने के लिए। सो इट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट, वो जिस भी साइट पे एडसॉर्ब हो रहा है इट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट कि उसके साथ कि जो एडसॉर्प्शन साइट है वो वेकेंट है या फिर ऑक्यूपाइड है। तो जितनी भी एडसॉर्प्शन साइट्स हैं सभी वहाँ पे इक्विवेलेंट है, राइट? उसमें कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं है कि ये पर्टिकुलर साइट पे एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगी या कम होगी, ऐसा कोई केस नहीं है। देन सेकंड, द लेयर ऑफ एड्सॉर्ब्ड गैस इज ओनली वन मॉलिक्यूल थिक। तो ये जो लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ये मानकर चलती है कि जो एड्सॉर्बेंट का सरफेस है उस पर सिर्फ वन मॉलिक्यूल थिक ही गैस एड्सॉर्ब हो सकती है। मीन्स If this is the surface of adsorbent, तो ये क्या कहता है कि इसके surface पे जब gas adsorb होगी ये multi-layer नहीं हो सकती, it could only be monolayer. Monolayer हो सकती है, सिर्फ एक ही जो layer है molecules की वो adsorb हो सकती है। If I say कि यहाँ second layer भी adsorb हो जाएगी तो ये लैंगमुइर जो adsorption isotherm है ये इस point को नहीं मानती। तो अब हमें एक चीज़ पता है कि जो chemisorption है, केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में ही हमारे पास वन मॉलिक्यूल थिक लेयर बनती है। मींस ये हो गया कि जो लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है इट इज़ वैलिड ओनली फॉर केमिसॉर्प्शन, कि ये केमिसॉर्प्शन के लिए वैलिड है, फिजिसॉर्प्शन के लिए वैलिड नहीं है। रीजन बीइंग कि जो फिजिसॉर्प्शन है उसमें मल्टी लेयर्स आ सकती हैं जबकि केमिसॉर्प्शन में सिर्फ हमारे पास मोनो लेयर रहेगी और ये मानता भी वन मॉलिक्यूलर थिक लेयर को है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है, देखिए एड्सॉर्प्शन प्रोसेस दो ऑपोजिट टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है, एक इवेपोरेशन एंड द सेकंड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एड्सॉर्प्शन को, कि जो एड्सॉर्बेंट का सरफेस है उस पे जब मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब होंगे इट विल रिप्रेजेंट द टेंडेंसी ऑफ कंडेंसेशन, कि जो गैस है वो कंडेंस हो रही है और सॉलिड सरफेस के ऊपर आकर एड्सॉर्ब हो रही है। तो एक तो टेंडेंसी ये होगी कि एड्सॉर्ब हो रही है गैस, कि जो हमारे पास एड्सॉर्बेट है इट इज getting adsorbed on the surface of adsorbent. और दूसरी इससे opposite क्या है? Evaporation. Evaporation basically means here desorption. Desorption की जो tendency को यहाँ पे represent करता है कि जो molecules adsorb हुए हैं उनकी desorption हो जाए और वो वापस से gaseous phase में चले जाएं. Adsorption process represents two opposing tendencies, that is condensation or adsorption of the gas molecules on the surface of the solid and evaporation. तो ये evaporation and condensation दो opposing tendencies है. Evaporation means desorption. Desorption of these molecules back to the gaseous state. अब देखिए दो टेंडेंसीज की हम बात कर रहे हैं, एक है कंडेंसेशन दूसरी है इवेपोरेशन। अब जो इनका रेट है, रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्या क्या स्पीड रहेगी यहाँ पे एड्सॉर्ब होने की या फिर डिसॉर्प्शन होने की? कंडेंसेशन और इवेपोरेशन का रेट पर्टिकुलर यहाँ पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है अनकवर्ड सरफेस के। मीन्स If this is
द सर्फेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट का ये सर्फेस अभी इनिशियल है, बिल्कुल स्टार्टिंग हो रही है। इनिशियली क्या होगा, ये देखिए सारा सर्फेस खाली है, खाली सर्फेस है मतलब ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा सर्फेस एरिया होने के कारण जो एड्जॉर्प्शन है उसकी स्पीड बहुत तेज़ रहेगी। सो एड्जॉर्ब होना, एड्जॉर्ब होना मतलब कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन की जो स्पीड है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अनकवर्ड सर्फेस, की अनकवर्ड सर्फेस कितना है। जितना ज़्यादा अनकवर्ड सर्फेस होगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे स्पीड रहेगी कंडेंस होने की, राइट right? तो जितना ज़्यादा अनकवर्ड सरफेस होगा, तो अनकवर्ड सरफेस पे डिपेंड करती है कंडेंसेशन। अलॉन्ग विद दैट ये जो कोई भी गैस है जिसे हम कंडेंस करवा रहे हैं, जिसकी एड्जॉर्प्शन हम चाहते हैं, उसे किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंडेंसेशन है वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। इस पॉइंट को भी याद रखें दैट जो कंडेंसेशन है डेफिनेटली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनकवर्ड सरफेस। जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा रहने वाला है रेट ऑफ कंडेंसेशन, बट अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्योंकि एक प्रेशर मेंटेन रख के ही हम गैस को एड्जॉर्ब करवाएंगे ना, तो ये प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का जो रेट है, स्पीड है, ये डिपेंड करता है कवर्ड सरफेस पे। जितना ज़्यादा कवर्ड सरफेस होगा उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन की स्पीड भी रहेगी। जैसे देखिए मैंने अभी आपको कहा कि जब ही मान लीजिए कि अभी इनिशियली है, इनिशियल एड्जॉर्प्शन स्टार्ट नहीं हुई, जब एड्जॉर्प्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई सारा सरफेस अनकवर्ड है, तो मतलब अनकवर्ड सरफेस बहुत ज़्यादा है, अनकवर्ड सरफेस ज़्यादा है तो रेट ऑफ कंडेंसेशन ज़्यादा होगी, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है जल्दी जल्दी से कंडेंस होते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते जा रहे हैं फर्दर एंड फर्दर, धीरे धीरे करते करते जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है ये कम होना शुरू होगा। तो इनिशियली स्टार्टिंग में रेट ऑफ कंडेंसेशन ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा स्पेस हमारे पास अनकवर्ड पड़ी है, जितनी ज़्यादा अनकवर्ड स्पेस है उतनी ही ज़्यादा स्पीड रहेगी कंडेंसेशन की। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल्स कंडेंस होते जाते हैं तो क्या होगा, अभी हमारे पास कवर्ड सरफेस बढ़ रहा है, कवर्ड सरफेस बढ़ रहा है, क्योंकि कवर्ड सरफेस बढ़ रहा है इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगी, जबकि अनकवर्ड सरफेस कम होने के कारण रेट ऑफ कंडेंसेशन कम हो जाएगा। तो जब अभी भी ये फर्दर धीरे धीरे जब एब्जॉर्ब हो रहा है, जब टोटली कवर हो गया, इस टाइम पे और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंडेंस नहीं कर पाएंगे, तो देखिए मोनोलेयर भी बन गई है ना, एक तो मोनोलेयर बन गई, तो दूसरा हम क्या कह सकते हैं, अनकवर्ड सरफेस अब बचा ही नहीं, तो इसलिए अब और ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस नहीं कर सकते। लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन मैक्सिमम हो जाएगा इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे कवर्ड सरफेस मैक्सिमम है। तो ये चीज रहती है, इनिशियली रेट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा रहता है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होता जाता है और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता जाता है। तो अब सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके इन पॉइंट्स को नोट कर लें, देन हम लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। सो अभी हम लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एड्जॉर्बेंट है और उसका टोटल एरिया कितना है, 1 cm², और यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि इसका जो कवर्ड एरिया है 1 cm² में से θ cm² जो एरिया है वो कवर्ड है, मींस हमारे पास अनकवर्ड कितना बचेगा, 1 θ cm² कि पूरा 1 cm है उसमें से θ cm² कवर्ड है, तो बचा क्या, 1 θ। अब इन्हीं बेसिस हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो चीज़ें थी, एक रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और यू कैन से रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या है हमारे पास, रेट ऑफ कंडेंसेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि कंडेंस करेगी, कंडेंसेशन का रेट किस पे डिपेंड करता है कि एरिया अनकवर्ड कितना है, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 θ।
साथ ही जिस गैस को हम एड्सॉर्ब करवाना चाहते हैं, हम उसे अज्यूम करते हैं कि हमने उसे पी प्रेशर पे मेंटेन किया है. द गैस टू बी एड्सॉर्ब इज मेंटेन्ड, द गैस टू बी एड्सॉर्ब इज मेंटेन्ड एट प्रेशर पी. तो उसके लिए हम पी प्रेशर मेंटेन करते हैं, तो ये प्रेशर पी के भी डायरेक्टली परपोर्शनल रहेगी. परपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर अगर हम इक्वल लगाते हैं, इक्वल लगाएंगे तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा. मान लेते हैं के वन कॉन्स्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस थीटा पी. ये हमारी एक इक्वेशन है, राइट. अब सेकेंड, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन की. जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल रहने वाला है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द कवर्ड एरिया. जितना एरिया कवर्ड होगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन रहेगा. सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर इक्वल लगाएंगे, कॉन्स्टेंट आएगा, के टू कह देते हैं इस कॉन्स्टेंट को, तो ये इक्वल हो गया के टू थीटा. दिस इज आर इक्वेशन टू. अब देखिए कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन की प्रोसेस चल रही है. एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे आकर क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ इवेपोरेशन. कि जितने मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट भी होंगे. सो व्हाट वी कैन से, के वन 1 माइनस थीटा पी इज इक्वल्स टू के टू थीटा. अगर इसे हम एक्सपैंड कर लें तो क्या आएगा, के वन पी माइनस के वन पी थीटा इट इज इक्वल्स टू के टू थीटा. हमारे पास क्या आएगा, के टू थीटा प्लस के वन पी थीटा. के टू थीटा नेगेटिव है तो क्या होगा, प्लस के वन पी थीटा इट इज इक्वल्स टू के वन पी. अब थीटा कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, के टू प्लस के वन पी. थीटा इज कॉमन सो इट इज इक्वल्स टू के वन पी. और व्हाट एल्स वी कैन से, थीटा इज इक्वल्स टू के वन पी डिवाइडेड विथ के टू प्लस के वन पी. डन. सो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा की वैल्यू है अभी हमारे पास, थीटा इज इक्वल्स टू के वन पी डिवाइडेड विथ के टू प्लस के वन पी. अब हम क्या करेंगे, थीटा विल बी इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसे हम यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हैं सभी को के टू के साथ डिवाइड कर देंगे. सो व्हाट वी विल हैव, के वन डिवाइडेड विथ के टू पी ओवर के टू डिवाइडेड विथ के टू प्लस के वन अपॉन के टू P. K2 and K2 cancel, we are left with theta is equals to K1 upon K2 P divided with 1 plus K1 divided with K2 P. अब देखिए K1 क्या है, constant, K2 क्या है, constant. अगर दो constants को हम आपस में divide करेंगे तो ultimately भी हमें क्या मिलेगा, एक constant value मिलेगी. So, इस कांस्टेंट को हम अज्यूम कर लेते हैं b. सो ये क्या आ जाएगा, b p अपॉन 1 प्लस बी पी, वेयर b इज इक्वल्स टू k1 डिवाइडेड बाय k2 विच इज अ
कांस्टेंट वैल्यू, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। थीटा इज इक्वल्स टू बी पी डिवाइडेड विद 1 प्लस बी पी, और जहाँ पे बी क्या है, K1 डिवाइडेड विद K2, क्योंकि दो कांस्टेंट्स हैं उन्हें डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो अभी सबसे पहले आप वीडियो पॉज करें और यहाँ तक नोट कर लें। यस डन। सो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या आएगा हमारे पास। सो देखिए, यहां पे हमने कहा है दैट थीटा इज इक्वल्स टू बी पी डिवाइडेड विद 1 प्लस बी पी। देखिए थीटा क्या है, थीटा इज द कवर्ड एरिया, कि कितना एरिया कवर है। कवर्ड एरिया मतलब कि यहां पे जो एड्सॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन हो चुकी है, इट इज द कवर्ड एरिया। कवर्ड एरिया मीन्स यहाँ एड्सॉर्प्शन है, मीन्स क्या हम इसे कह सकते हैं कि जो थीटा है कवर्ड एरिया, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि जितना भी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन रहेगा, अगर ज़्यादा एक्सटेंट है तो एरिया ज़्यादा कवर होगा, अगर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम है तो कम एरिया कवर होगा। तो ये चीज़ भी तो हम कह सकते हैं दैट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन That is x by m. x by m क्या होता है, extent of adsorption, right? So we can say extent of adsorption that is x by m is proportional to theta. ये theta के proportional है, means ज़्यादा extent of adsorption होगी तो covered area ज़्यादा होगा, extent of adsorption कम होगी तो covered area कम होगा. So x by m is proportional to BP डिवाइडेड विद 1 प्लस BP। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, अगेन एक कांस्टेंट आएगा, उसे हम कह देते हैं कि वो कांस्टेंट है K3, क्योंकि K1 K2 कांस्टेंट हम पहले ही यूज कर सकते हैं, इसे हम अज्यूम कर लेते हैं K3। K3 इज इक्वल्स टू BP डिवाइडेड विद 1 प्लस BP। BP डिवाइडेड विद 1 प्लस BP। अब देखिए क्या है, K3 कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, देखिए बी तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है ना हमारे पास। अब देखिए K3 कांस्टेंट है, बी हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, अगर दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, उसे हम कह देते हैं ए। तो हमारे पास जो एक्स बाय एम है, जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, क्या आ जाएगा, ए पी डिवाइडेड विद 1 प्लस BP, वेयर ए इज इक्वल्स टू K3B, कि K3 भी कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट, तो मिला के कांस्टेंट बन गया, जिसे हमने नाम दे दिया A। तो ये हमें एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बताता है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन x by m किसके इक्वल रहेगा, AP डिवाइडेड विद 1 प्लस BP। सो अभी देखिए, ये हमारे पास इतना इक्वेशन तो बन गया है दैट x बाय m इज इक्वल्स टू AP डिवाइडेड विद 1 प्लस BP। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम अपनी इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास क्या है, x by m equals to AP divided with 1 plus BP। अब अगर हम ये P, यहाँ पे P क्या है, प्रेशर, अगर प्रेशर को हम डिवाइड कर देते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के साथ, इफ़ वी डिवाइडेड बाय एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन दैट इज x by m, देन 1 plus BP टर्म इधर आ जाएगी एंड A विल गो डाउन। ये चीज रहेगी अभी हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे इस साइड को, इस इक्वेशन की इस साइड को। देखिए क्या है हमारे पास, 1 प्लस BP डिवाइडेड विद A, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 बाय A प्लस BP डिवाइडेड विद A, एंड इट इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड विद एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन दैट इज x बाय m, और वी में राइट इट P डिवाइडेड विद x बाय m इज इक्वल्स टू
बी बाई ए पी प्लस वन बाई ए। अब अगर हम इसे इक्वेट करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ, कंपेयर करें अगर, तो कंपेयरिंग विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दैट इज वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और अगर अब हम ग्राफ प्लॉट करें, देखिए वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, पी डिवाइडेड विद एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन दैट इज एक्स बाय एम, देन एक्स एक्सिस पे हम क्या रखने वाले हैं प्रेशर, देन अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसमें एम, एम क्या रहता है हमारे पास स्लोप, स्लोप कितना है बी बाय ए, ये एम की वैल्यू रहेगी, स्लोप रहेगा हमारे पास बी बाय ए, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का, तो इसलिए हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, बिकॉज इट इज हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप। अब पॉजिटिव स्लोप है इस ग्राफ की तो हम क्या कहेंगे, यहां इसका स्लोप किसके इक्वल है, b बाय a के। एंड c, c इज द y इंटरसेप्ट, c y इंटरसेप्ट है, और इस c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 बाय a, दिस इज द y इंटरसेप्ट। तो ये देखिए इस तरह से, देखिए हमने इक्वेशन लगाकर जब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, इसके बाद हमें इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है सो दैट कि हम इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे p डिवाइडेड विद x बाय m में एंड x एक्सिस पे रखेंगे प्रेशर, उस टाइम पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जिसकी पॉजिटिव स्लोप है और स्लोप किसके इक्वल है b बाय a के, एंड द इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इज 1 बाय a।